लेके आया हूँ मैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पहले क्वेश्चन का पहला आंसर कौन देगा? राजेश जी, सपना, हाय कैसे हो, दीपिका जी कैसी हो आप, रमनदीप, हेलो, राजेंद्र जी से, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है सर। राजेंद्र जी, सिकवाल, कोई बीकानेर से है यहाँ पे? क्यों सर जी, बीकानेर में बरसात ज़्यादा हुई है आज। पहले का राइट आंसर कौन देगा सर? पहले का सही उत्तर पहला अतुल जी, बतुल जी, सुरेश यादव, वेरी गुड सर। ओके सर, दीपक कुमार जी, हेलो, दीपिका जी आपका भी सही है, रामनंद, दीप, ओके, लक्ष्मी, दीपिका, फनी, ओके सर। तो पहले का राइट आंसर हमारा, जिनका डी आ रहा है, बिल्कुल डी है, वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सबका डी डी आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखिए। दो नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह का कार्य करती है? अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है, ये बताना है। दो का सही उत्तर। राजेंद्र जी, आपको पता नहीं है भैया जी, शायद मैं बीकानेर से ही हूँ, और हाँ जी पता है मुझे, आज बरसात हुई है, मैं बरसात में ना किया है हूँ। चलिए, दो का राइट आंसर सर, बिल्कुल। लक्ष्मी जी आपका भी बिल्कुल सही है, दीपक कुमार आपका भी सही है जी सर। जी, दो का अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय जो है, ये अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों तरह का कार्य करती है। दिनेश जी, रोहित जी, मोहित शर्मा आपका भी सही है, आकाश जी आपका भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन देखिए। तीन नंबर क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन, तीन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। राजेश मीना जी, वेरी गुड। मोहित जी, मोहित बिल्कुल सही है आपका। अतुल तिवारी, राजेंद्र जी सर, खान जी आपका भी सही है, नंदलाल जी बिल्कुल सर। तीन का हमारा राइट आंसर है, वो एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा, ये राइट आंसर है। रोहित, प्रियंका, मदन जी बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर चार कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? कौन सी एक ग्रंथि नहीं है, ये बताना है। चार का राइट आंसर। ओम प्रकाश, गुंजन, लोकेश आपने बिल्कुल सही दिया था। आकाश, थोड़ा सा चेक कीजिए सर। मोहित आपका भी सही है, रमनदीप जी बिल्कुल, राजेश मीना, गुंजन कुमारी, फनी जंक्शन जी, अंशु जी, सुरेश यादव, ओके सर। तो चार का हमारा सही उत्तर है, वो जठर हो जाएगा, ये एक ग्रंथि नहीं है, बाकी तीनों ग्रंथि है, नाम याद रखिए तीनों के। और क्वेश्चन नंबर पाँच देखिए कि निम्नलिखित में से हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? चार जो हार्मोन्स दे रखे हैं उनमें आयोडीन की मात्रा किस में होती है? पाँच का सही उत्तर कौन देगा सर? पाँच का राइट आंसर मोहित, वेरी गुड आपने। राजेंद्र, अगर आपको वीडियो शो नहीं हो रहा है तो एक बार आप कट करके सर दोबारा शुरू करिए, बाकी सभी को शो हो रहा है। गुंजन, गुंजन थोड़ा सा चेक कीजिए आप। लक्ष्मी आपका भी सही है, नरेश यादव बिल्कुल सही है, दीपक कुमार, गौतम, गौतम मानो जी, जी सर बिल्कुल, ऑल इन वन, सुरेश यादव, ओके सर। तो पाँच का हमारा राइट आंसर है, और थायरोक्शन हो जाएगा, ए सही उत्तर है। रमनदीप, रोहित, दीपिका जी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर छः देखिए कि कौन सा हार्मोन है वो लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, उसी को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है। क्वेश्चन छः का राइट आंसर, लड़ो उड़ो या फिर करो मारो, करो या मरो का जो भी होता है, छः का राइट आंसर कौन देगा सर? नरेश यादव जी बिल्कुल, सरवन जी, मोहित, रसवीर, राजेश, संजय, नरेश, दीपक जी सर, रमनदीप आपका भी सही है, लक्ष्मी भी सही है, सपना, जहांगीर, अतुल, ओके सर, विक्रम। तो इसका एड्रिनल हो जाएगा, बी राइट आंसर है। और सात नंबर देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्या करें सर, पूरा टेस्ट है जी सर? बिल्कुल हम पूरा टेस्ट शुरू करेंगे, एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, हमारा जो दूसरा चैनल था हमेशा उस पर लाइव करते थे हम, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया, लाइव हो नहीं रहा है, तो इसीलिए इस चैनल पर लाइव करना पड़ रहा है। एक दो दिन में जैसे ही सही हो जाता है, पूरा 150 क्वेश्चन का पूरा पेपर सोल्व करेंगे हम रोज़ाना। चलिए, सात का राइट आंसर टाइलिन हो जाएगा, ए राइट आंसर है। मदन जी, नरेश आपका भी सही है, गौतम सही था सर आपका। चलिए आठ नंबर देखिए, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? लिपिड होते हैं, अम्ल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या फिर प्रोटीन होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं?
आठ का सही आंसर कौन देगा सर? जी आठ का बता दीजिए अंजय मूल रूप से क्या होते हैं? आठ का सही उत्तर राजवीर आशुतोष जी, बिल्कुल दीपक जी सही आपका, बुल्ले खान जी आपका भी सही है, गौतम जी बिल्कुल सर प्रोटीन होते हैं। आठ का डी हो जाएगा हमारा सही उत्तर, एंजाइम जो होते हैं मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि है वो वाहिनी विहीन है? कौन सी ग्रंथि है वो वाहिनी विहीन होती है? 9 का सही उत्तर कौन देगा? 9 का राइट आंसर सबसे पहले सरवन राम जी सर, बिल्कुल रसवीर जी आपका भी सही है, संदीप सपना आपका भी, गौतम सुरेंद्र मोहित नंदलाल जी जी सर। चलिए 9 का हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, सी राइट आंसर है इसका, सपना आपका भी सही था। चलिए 10 नंबर ये कौन था? दीपक, दीपक जी 10 नंबर तो करवाया नहीं आपने, 10 का आंसर कहाँ से दे दिया सर? चलिए मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? मानव तंत्र में पाचन एंजाइम है वो कौन सा नहीं है? 10 का राइट आंसर हिना चौधरी जी, बिल्कुल सर मोहित आपका भी सही है, रमनदीप आपका भी सही है। चलिए 10 का हमारा राइट आंसर है वो गैस्ट्रिन हो जाएगा, डी इस सही उत्तर है इसका, मोहित असुजार जी बिल्कुल सही आ रहा था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? रक्त कैल्शियम को और फॉस्फेट को विनियमित कौन सा हार्मोन करता है? 11 का सही उत्तर लोकेश कुमार जी, बिल्कुल रसवीर मीना जी थोड़ा सा चेक कीजिए भैया जी आप, हिना आपका भी सही है, राजेंद्र पवन थोड़ा सा चेक कीजिए, दीपक आप भी चेक कीजिए, रमनदीप आपका बिल्कुल सही है जी सर। ओके इसका प्राइवेट हार्मोन हो जाएगा इसका, डी राइट आंसर है 11 का। मिस नरिया आपका भी सही है। चलिए 11-12 नंबर देखिए कि निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन है वो तैयार करता है? 12 का सही उत्तर बारह का राइट आंसर रसवीर मीना जी, संजय मेहरा, राजेंद्र जी सर बिल्कुल क्या बात है, बिल्कुल सही आपका, सरवन जी आपका भी सही है, सोनू जी, सोनू जी, हिमांशी, मदन, हर्षु जाट, संदीप, गौतम क्या बात है, सभी का सही आ रहा है। तो 12 का हमारा राइट आंसर है वेस्ट्रोजीन हो जाएगा, सी सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? कोशिका विभाजन में मदद कौन सा पादप हार्मोन करता है? 13 का सही उत्तर रसवीर मीना जी, अब की बार थोड़ा सा चेक कीजिए आप, 13 का राइट आंसर क्या बात है, सारे ही गलत क्यों बता रहे हो भाई, क्या हो गया इस क्वेश्चन को? लेकिन 13 का राइट आंसर सुरेश जी, लोकेश जी बिल्कुल सर, जिब्रेलिन हो जाएगा इसका, 13 का बी हमारा सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निसारण के लिए उत्तरदायी होती है? इंसुलिन निसारण के लिए कौन सी ग्रंथि है उत्तरदायी मानी जाती है? 14 का सही उत्तर दीपिका भी सुनोई जी, बिल्कुल राजकुमार जी, जी सर रसवीर मीना जी, जी बिल्कुल सही है, सरवन आपका भी सही है, हर्षु जाट, गुरप्रीत, ओके भगवती, संदीप जी, ओके सर सोनो, तो इसका राइट आंसर 14 का है वो अग्नाशय हो जाएगा, ए सही उत्तर है हमारा, मनीष सोनू रोहित आपका भी सही है।
चलिए 15 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है। इंसुलिन है वो कौन सी कोशिका से स्त्रावित होता है। 15 का सही उत्तर। संजय मेरा आपका सही आया था वो क्वेश्चन। ए जॉर्डन सिंगल, दिस इज नॉट सिलेबस ऑफ LDC। आप सर कमेंट करके आप सिलेबस मुझे बता दीजिए फिर, क्या सिलेबस है। 15 का सही उत्तर। जी चेतन ठक्कर जी बिल्कुल सही है सर। मदन देव जी आपका भी सही है। टेक्निकल ओमकार जी सर, ओके। तो 15 का हमारा सही उत्तर है वो बीटा कोशिका हो जाएगा। रोहित दीपिका आपका भी सही है, बी राइट आंसर है। और 16 नंबर देखिए कि मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसे जीवाणु मर जाते हैं। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसे जीवाणु है वो मर जाते हैं। 16 का सही उत्तर। पिंकी जी जी बिल्कुल, कौन देगा 16 का राइट आंसर। अर्शु जाट जी बिल्कुल भैया जी, रमनदीप आपका भी सही है, क्या बात है, ज़्यादा ही गलत कर रहे हो इस बार तो। मदन देव जी, राजेंद्र नंदलाल जी, ओके सर। तो 16 का हमारा सही उत्तर है वो लाइसोजाइम हो जाएगा। गुंजन आपका भी सही है, सी सही उत्तर हो जाएगा 16 का। और 17 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है। तो 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से हार्मोन कौन सा है ये बताना है। 17 का सही उत्तर जी बिल्कुल, इंसुलिन है वो एक हार्मोन है, सी सही उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। एक स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है इनमें से। 18 का राइट आंसर जी बिल्कुल, एस्ट्रोजेन जी बिल्कुल, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका जी। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्त्रावित करती है। बहुत बार पूछा जा चुका है, तो कौन सी ग्रंथि है वो अश्रु स्त्रावित करती है। 19 का सही उत्तर कौन देगा सर। जितेंद्र जी, 19 का राइट आंसर। रितु पवन पूनिया, नीतू यादव, रसवीर जी, गुंजन कुमारी सही है, हर्षु जाट आपका भी सही है, रमनदीप आपका भी सही है, मनीष मदन, ओके, सोनू तोशिक, ठीक है 19 का राइट आंसर है, लेक्रिमल हो जाएगा हमारा, ए राइट आंसर बनता है यहाँ पे। चलिए 20 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है वर्धावस्था में लुप्त हो जाती है। वर्धावस्था में लुप्त कौन सी ग्रंथि हो जाती है। 20 का सही उत्तर जी बिल्कुल, थाइमस हो जाती है, बी हो जाएगा सही उत्तर इसका। और 21 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। एक तो अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, कौन सी। 21 का राइट आंसर, ऑल इन वन जी, रसवीर मीना जी 21 का। और कौन देगा सर, लोकेश कुमार जी बिल्कुल सही है, लोकेश जी आपका, फन फ्रेंड सही है, नंदलाल जी, ओके सर, परावटू हो जाएगा इसे इसका आंसर। 21 का सी है वो हमारा सही उत्तर है, ओमकार चौहान जी सही था सर आपका। चलिए 22 नंबर देखिए कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि है वो कहाँ पर उपस्थित होती है। 22 का सही उत्तर, कौन देगा 22 का राइट आंसर। पवन पूनिया क्या बात है, वेरी गुड, राज मीना आपका भी सही है, अरुण यादव जी बिल्कुल सही, 22 का मस्तिष्क, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रावण को क्या कहते हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रवण को क्या कहते हैं। हमने एक ग्रंथि के बारे में पढ़ा भी था जो कि वाहिनी विहीन थी, उनके स्त्रवण को क्या कहते हैं। 23 का राइट आंसर देना है सर जी बिल्कुल, हार्मोन, 23 का डी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, सी हो जाएगा सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। जी
ओम प्रकाश जी, लोकेश जी, सर ओके। 25 का बताइए, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाते हैं? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार जी, गुंजन, संदीप जी आपका भी सही है, ओम प्रकाश चौहान जी, सर बिल्कुल, ऑक्सीटोसिन, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। नरेश यादव जी आपका भी सही है, सपना जी बिल्कुल। चलिए 26 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस कुसंक्रिय के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? मिक्सिडिमा किसकी वजह से होता है? 26 जी बिल्कुल, अवटु ग्रंथि की वजह से, बी हो जाएगा। सत्ताईस देखिए कि पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए जोर्डन सिंगल, भैया जी आप कहीं पी वी के तो नहीं आए हो ना? नहीं, काफ़ी टाइम से मैं कमेंट पढ़ रहा था भैया, कि बरसात में ऐसा तो नहीं होगा ज़्यादा नहा लिए और ठंड वगैरह लग गई आपको? बेटा जी आप जाइए और एक बार चेक कीजिए, ठीक है। चलिए 27 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, बी है सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 हमारा है कि मानव शरीर की पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? 28 का सही उत्तर। जी बिल्कुल, मस्तिष्क में, संदीप जी आपका बिल्कुल सही है सर, रसवीर मीना आपका भी सही है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हर्षु जाट, राजेश, नरेश यादव जी सर। चलिए साइंस का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि वर्धी रोधक हार्मोन कौन सा होता है? वर्धी रोधक हार्मोन कौन सा होता है? ट्वेंटी नाइन का राइट आंसर जी बिल्कुल, नंदलाल जी, रश्मि मीणा जी, जी बिल्कुल, ओम प्रकाश आपका भी सही है, भरत राठौर आपका भी सही है, जी सर ए और बी दोनों हमारा सही हो जाएगा, तो डी है राइट आंसर बनेगा। चलिए 30 नंबर देखिए कि पादप में स्रावित ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य क्या है? साइंस का लास्ट क्वेश्चन। और जिस चीज़ को पता नहीं है अभी तक कि सिलेबस क्या है, तो टेलीग्राम पे सिलेबस मैंने अपलोड किया था, देख लेना एक बार जाके ताकि कन्फ्यूज़ ना हो। पता नहीं बेटा जी जॉर्डन जी क्या, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे सिलेबस है, अगर आप देखना चाहो, अगर आपकी नींद खुले उसकी वजह से शायद। चलिए 30 का राइट आंसर जी सर, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी है वो राइट आंसर है। चलिए ये थे 30 क्वेश्चन साइंस के, अब जीके के करते हैं। जीके का पहला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर की, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? सबसे पहले तो ये याद रखिए कि संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ था, 25 मार्च 1948 को। इकतीस का राइट आंसर, लक्ष्मी जी थोड़ा सा चेक कीजिए आप, सुरेंद्र जी बिल्कुल सही है। किशन सिंह जी, हिंदी के टेस्ट होता है सर जी, दूसरे चैनल पे हिंदी का डेली टेस्ट होता है, आप चेक कीजिए एक बार। क्या बात है, सारे सी सी क्यों कर रहे हो अभी? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, लक्ष्मी जी आपका भी सही है, गोकुल लाल असावा। और 32 देखिए, वरीत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? गौतम मानव जी बिल्कुल, वरीत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था सर? 32 का जी हीरा लाल शास्त्री जी बिल्कुल सही है। और 33 नंबर देखिए कि संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह कौन सी थी? जब संयुक्त राजस्थान मिला था उसमें किस रियासत का विलय किया गया था? 33 का सर जी जितेंद्र जी, रितु, गौतम, गुंजन, ओके सर, प्रतापगढ़ का किया गया था, सी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख जी, मत्स्य संघ की बात कर रहे हैं हम, संगीता बिश्नोई जी, मदन जी आपका भी सही है, ऑल इन वन, ओम प्रकाश, किशन जी सर, उदय भान सिंह जी थे। और 35 देखिए कि
कि राजस्थान में पत्रकारिता के पितामह के नाम से किसको जाना जाता है? राजस्थान में पत्रकारिता के पितामह किसको कहा जाता है सर? बिल्कुल, पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। रमन जी, आपका इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो टेलीग्राम पे बहुत सारी PDF है जो कि राजस्थान पुलिस के लिए राजस्थान जीके किया था, वो आप ले लीजिए एक बार, थोड़ा सा अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तेरे चिड़ावा का गांधी किसको कहा जाता है? छत्तीस का राइट आंसर, चिड़ावा का गांधी किसको कहा जाता है? किसको पता है छत्तीस का राइट आंसर? सुरेंद्र जी, सुरेंद्र, बिल्कुल। ये क्वेश्चन आया क्वेश्चन है। तरण जी, राजेश जी, बिल्कुल सर। प्यारे लाल जी, सर बिल्कुल, सरदार प्यारे लाल गुप्ता जी, सी राइट आंसर हो जाएगा। और 37 देखिए कि भारत का कितना प्रतिशत ऊंट केवल राजस्थान में पाया जाता है? भारत का कितना प्रतिशत ऊंट है वह केवल राजस्थान में पाया जाता है? 37 का जी, बिल्कुल 81%, ए राइट आंसर हो जाएगा। और 38 देखिए कि भारत का कितना प्रतिशत बकरियां हैं वो केवल राजस्थान में पाई जाती है? 38 का राइट आंसर। पवन पुनिया सुरेंद्र जी, जी सर, ओके, बिल्कुल 16%, 38 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। और 39 देखिए, हरियाणवी किस पशु की नस्ल है? हरियाणवी जो है वो किस पशु की नस्ल है? गाय की, बकरी की, भैंस की या फिर भेड़ की? 39 का राइट आंसर कौन देगा सर? जितेंद्र जी, 39 का। सुरेंद्र जी, बिल्कुल, हर्षु जाट, ओके सर। पवन पूनिया, आपका भी सी है। सौरभ यादव जी, आपका भी सी है, गाय की है, ए राइट आंसर हो जाएगा 39 का। और 40 देखिए कि मांस उत्पादन के लिए बकरी की उपयुक्त नस्ल कौन सी है? यानी सर्वाधिक मांस का उत्पादन है बकरी की कौन सी नस्ल से होता है? 40 का राइट आंसर। रसवीर जी, बिल्कुल, पंकज आपका भी सही है। चलिए, 40 का राइट आंसर है, लोही हो जाएगा हमारा, ये सही उत्तर है। चेतन आपका भी सही है सर। चलिए, 41 नंबर देखिए कि सेई परियोजना है वो किस जिले में है? सेई परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? प्रतापगढ़, उदयपुर, बूंदी या फिर बारा से? 41 का राइट आंसर, लोकेश कुमार जी सर, ओके। सुरेंद्र आपका भी सही है सर। पंकज जी आप चाहे कीजिए, रसवीर मीना आपकी बात थोड़ा सा चूक गए आप। 41 का राइट आंसर जी, नरेश जी सर, बिल्कुल उदयपुर से है। और 42 देखिए कि जोगनिया माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? जोगनिया माता का मंदिर कहाँ पर है? भरतपुर में, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा में? 42 का राइट आंसर, 42। रितु, चेतन कौन देगा सर? 42 का राइट आंसर। पवन जी, जी बिल्कुल सही है। रसवीर मीना जी आपके, नंदलाल जी, ओके सर, बिल्कुल सही है। जोगनिया माता का मंदिर जो है वो भीलवाड़ा में है, बी हो जाएगा सर। चेतन आपका भी सही है। चलिए, 43 नंबर देखिए, इजी सा क्वेश्चन है, गढ़शीशर तालाब कहाँ पर है? गढ़शीशर तालाब कहाँ पर है? अरुण यादव जी, बिल्कुल। राजेश, दिनेश, पंकज आपका भी सही है, पवन आपका भी सही है, जैसलमेर में है। सुरभि, पप्पी सिंह जी, चेतन, ओके सर। चलिए, 44 नंबर देखिए कि जाली आभूषण जो है वो कहाँ पर पहना जाता है? जाली आभूषण, गले में, पैर में, चेहरे पर या फिर कान पर? 44 का राइट आंसर। 44 का कौन देगा सर? लक्ष्मी जी, बिल्कुल, 44 का राइट आंसर। ताराचंद, नंदलाल जी, नरेंद्र यादव आपका भी सही है, ओके सर, कान में होता है। 44 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। और 45 देखिए, इजी सा क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे?
जो पृथ्वीराज तृतीय के खास दोस्त थे। जी, पृथ्वीराज विजय के लेखक 45। जी बिल्कुल सही है, जैनक ने लिखा था। जी बिल्कुल। जिनका ए आंसर आया वो पृथ्वीराज रासो को याद ना कीजिए, 45 का। ये इसके फ्रेंड थे, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक में बोल दिया शायद। चलिए 46 नंबर देखिए कि राजघरानों में दासों के लिए रखा जाने वाला विभाग कौन सा था। दास को रखने के लिए कौन सा विभाग होता था राजघरानों में। 46 का राइट आंसर। सोनू कुंवर जी, 46 का और कौन देगा राइट आंसर। जी बिल्कुल, राजलोक होता था, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और 47 देखिए कि राजस्थान में 1832 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक सर्वप्रथम है वो किस क्षेत्र में लगाई गई थी। 1832 में दास प्रथा पर रोक सबसे पहले कहाँ लगी थी। 47 जी बिल्कुल, हाड़ौती क्षेत्र में, सी हो जाएगा। और 48 नंबर देखिए कि राजस्थान में राजपूत जाति में विवाह के अवसर पर चारण भाट या ढोली आदि लड़की वालों से दान दक्षिणा के लिए हट करते थे, उस हट को क्या कहा जाता था। डावरिया प्रथा, बेगार प्रथा, हरावल या फिर त्याग। 48 का सर डी है, वो त्याग है। अगर शो नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी ऑप्शन जो है वो त्याग है। 48 का राइट आंसर। राजकुमार जी बिल्कुल, नंदलाल जी, राजकुमार जी बिल्कुल सही है, भरत राठौड़। ओके सर, सपना जहांगीर जी त्याग कहते थे, डी हो जाएगा। दीपक कुमार आपका भी सही है, मदन लाल जी आपका भी सही है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। और 49 देखिए कि राजस्थान में सर्वप्रथम स्त्री प्रथा को गैरकानूनी कब घोषित किया गया था। स्त्री प्रथा को सबसे पहले गैरकानूनी 1822, 1829, 1833 या 1834 में। 49 का कौन देगा राइट आंसर। नंदलाल जी, नंदलाल जी जी सुरेंद्र, सबका ए आ रहा है, 1822 आ रहा है सबका। 49 50 नंबर देखिए कि देवताओं की स्तुति कर गुरु के समक्ष बैठकर अक्षर ज्ञान कराने हेतु कराए जाने वाला संस्कार कौन सा था। जो टोटल 16 संस्कार होते हैं उनमें से देवताओं की स्तुति कर गुरु के समक्ष बैठकर अक्षर ज्ञान कराने हेतु कौन सा संस्कार करवाया जाता था। 50 का जी बिल्कुल, विद्यारंभ करवाया जाता था, सी हो जाएगा इसका। सोनू कुमार राजकुमार जी सर। चलिए 51 नंबर देखिए कि वर के वधु पक्ष के घर पहुंचने पर वधु के पिता अपने संबंधियों के साथ वर का स्वागत करता है, उसे क्या कहते हैं। किस किस का स्वागत हो चुका है, जिनका स्वागत हो चुका है फटाफट आंसर कर दीजिए। 51 का चेतन ठकर, मदन लाल जी, जी सर नंदलाल जी आपका भी राइट आंसर है, सपना जंगी आपका भी सही है, 51 का सही उत्तर। और किसको बताया सर। विक्रम, जितेंद्र, राजेंद्र मीणा, मनीष। ओके सर, चलिए 51 का राइट आंसर है, मधुपर्क हो जाएगा। चलिए 52 नंबर देखिए कि विधवा विवाह नामक पुस्तक है वो किसने लिखी थी। सपना जी क्वेश्चन तो वही है, क्या करें, क्वेश्चन नए थोड़ी ना बनाए। चलिए 52 देखिए जी बिल्कुल, चांदकरण शारदा ने लिखी थी, डी हो जाएगा। 53 देखिए कि राजा द्वारा दासी को उपपत्नी के रूप में स्वीकार करना क्या कहलाता था। राजा द्वारा दासी को उपपत्नी के रूप में स्वीकार करना क्या कहते थे। 53 का राइट आंसर है जी बिल्कुल, पड़दायत कहते थे। 53 का बी हो जाएगा। और 54 नंबर देखिए कि खड़ी हुई फसल का अनुमान लगाकर कर निश्चित करना क्या कहलाता था। चौपन का राइट आंसर जी बिल्कुल, कुंता कहते थे, ये हो जाएगा। सोनू जी आपका भी सही है।
रसवीर मीना जी जी से। चलिए 55 नंबर देखिए कि आज परिवार में गायन वादन प्रस्तुत कर मनोरंजन करने वाली महिलाएं क्या कहलाती है। परिवार में गायन वादन प्रस्तुत कर मनोरंजन करने वाली महिलाओं को क्या कहते हैं। 55 का राइट आंसर कौन देगा सर। इजी सा क्वेश्चन है जी, बिल्कुल गायन कहते हैं, बी हो जाएगा इसका। चलिए 56 नंबर देखिए कि सामान को प्राप्त वह सम्मान जिसमें महाराणा सामंत के अभिवादन को स्वीकार करते हुए अपने हाथ सामंत के कंधों पर रखता था, उसको क्या कहते थे। डी ऑप्शन ताजी मैं दिखा देता हूँ अगर दिख नहीं रहा है तो।